वेलकम फ्रेंड्स टू दिनिंग कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोनी के बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी लेंसेस के बारे में। तो चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ रुक करते हैं और सीधे रिकमेंडेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। सबसे पहले APS-C मिररलेस कैमरे के बारे में बात करते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक कवरेज लेंस चाहिए। मैं बहुत ही ईजिली आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। नाउ यू नीड अ कवरेज लेंस। एक कवरेज लेंस आपके पास होनी चाहिए और एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, आप जो भी नाम उसे दे दो, जैसे आप प्री वेडिंग शूट्स, पोस्ट वेडिंग शूट्स, ब्राइड ग्रूम्स के अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स, उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के कुछ एक अच्छे क्लोजअप्स ले सकते हो। सो यू नीड अ पोर्ट्रेट लेंस, अ प्राइम लेंस एंड अ कवरेज लेंस। तो यहाँ पर सोनी में हमारे पास कई सारे लेंसेज अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट लेंस जो अभी अवेलेबल है वो है टैमरॉन की 17-70mm f/2.8 लेंस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेंस। और अगर आप फोटोग्राफी करते हो या वीडियोग्राफी करते हो, सिनेमाटोग्राफी करते हो, दिस इज द लेंस यू मस्ट हैव विथ योर सोनी APS-C मिररलेस कैमरा। थोड़ी कॉस्टली जरूर है बट वन ऑफ द बेस्ट कवरेज लेंस अवेलेबल राइट नाउ फॉर योर APS-C मिररलेस कैमराज। तो वेडिंग फोटोग्राफी में एक तो आपकी कवरेज बहुत प्रॉपर होगी क्योंकि कांस्टेंट अपर्चर है, बिल्ट इन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इस लेंस के अंदर। देन आप इसे इजीली अपने नॉन इमेज स्टेबलाइज सेंसर बेस्ड कैमरे से, यानी कि आप A6400 कैमरा यूज़ कर रहे हो या A6100 कैमरा या A6000 कैमरा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 17-70 के अंदर एक OIS यूनिट बैठी हुई है जो कहीं ना कहीं आपको लो लाइट फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ कांस्टेंट अपर्चर है मेरे दोस्त, ये चीज़ आप याद रखना। आप 17 पे शूट करो या 70 पे शूट करो, यू आर गेटिंग f/2.8 कांस्टेंट अपर्चर। तो इसकी जो ऑप्टिक्स है वो बहुत ही अपग्रेडेड क्वालिटी की लगी हुई है। साथ ही साथ 70mm 50mm पे आप अच्छी पोर्ट्रेट्स भी निकाल सकते हो। नो नीड टू रिप्लेस योर लेंस ऑलवेज। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो कि मल्टीपर्पस लेंस है और काफ़ी उम्दा ऑप्टिक के साथ आई हुई है। तो अगर परचेस कर सको तो ये ज़रूर करो। आफ्टर दिस द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज 18-105, 18-105mm की f/4 कॉन्स्टेंट अपर्चर वाली लेंस। दिस लेंस इज ऑल्सो यूजेबल फॉर वीडियोग्राफी पर्पस, सिनेमाटोग्राफी पर्पस एंड इवन फोटोग्राफी पर्पस। फोटोग्राफी में भी काफ़ी शार्प आउटपुट ये देने वाली है। सोनी ने स्पेसिफिकली सिनेमाटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बनाया है बट मैं इसे फोटोग्राफी के लिए भी रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी जो आउटपुट रहनी है काफ़ी शार्प आती है। और इंस्टेड ऑफ रिकमेंडिंग 18-135mm लेंस, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इसी लेंस के साथ जाओ। इफ़ यू हैव लेस बजट, कहीं ना कहीं आपको 17-70mm f/2.8 लेंस नहीं मिल रही है, थोड़े से लेस बजट में आपको चलाना है, 18-105 इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो ये मेरी दो कवरेज लेंस हो गई अपने APS-C मिररलेस कैमरेज के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस अवेलेबल फॉर द APS-C मिररलेस कैमरा। वी हैव द सिग्मा लेंसेज। सिग्मा की 56mm की f/1.4 लेंस बहुत उम्दा लेंस है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। सो इफ यू कैन बाय दिस लेंस यू शुड। अदर देन दैट, थोड़ी कम बजट है तो आप सोनी की 50mm की f/1.8 लेंस के साथ भी जा सकते हो। ये भी एक काफ़ी उम्दा लेंस है, थोड़ी अफोर्डेबल भी है और साथ ही साथ अच्छी पोर्ट्रेट इमेजेस आपको निकाल कर देगी। सो दीज आर द टू लेंसेस आई एम रिकमेंडिंग फॉर पोर्ट्रेट कैंडिड शूट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कवरेज लेंस की हमने बात कर ली, पोर्ट्रेट और कैंडिड लेंस की बात कर ली, अब APS-C मिररलेस कैमरेज की डिस्कशन खत्म। इससे ज़्यादा मैं लेंसेस रिकमेंड करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुल फ्रेम मिररलेस कैमराज। A7 III ऑन करके रखे हो या A7C परचेस किए हुए हो तब बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी लेंसेस कौन सी रहेगी आपके लिए? तो चलिए सबसे पहले हम कवरेज लेंस की बात कर लें। यहाँ पर भी सबसे पहले हम बात करेंगे एक तो अफोर्डेबिलिटी की, बजट की, साथ ही साथ ऑप्टिक्स की। तो एक बजट में हाई ग्रेड लेंस अगर आपको मिल जाए तो क्या बुराई है? तो सबसे बजट में जो सबसे अच्छी लेंस हमें मिल सकती है अपने पैसे से वो है टैमरॉन की 28-75mm f/2.8 RHD लेंस, 28-75mm की लेंस। बहुत ही उम्दा लेंस है, कॉन्स्टेंट अपर्चर देती है, काफ़ी उम्दा आउटपुट आपको इससे मिलेगी। सो बीइंग अ कवरेज लेंस, इससे आप 70-75mm पे अच्छी कैंडिड इमेजेस, पोर्ट्रेट इमेजेस भी निकाल सकते हो f/2.8 अपर्चर पे। अदर देन दैट, इफ़ यू नीड अ डेडिकेटेड पोर्ट्रेट लेंस, तो अगर आपका बजट कम है मेरे दोस्त, देन यू कैन बाय द 50mm f/1.8, वन ऑफ द बेस्ट लेंस अवेलेबल अंडर बजट। बजट थोड़ा भी ज़्यादा है देन यू ट्राई टू बाय द सिग्मा 85mm f/1.4 लेंस। एक बार आपने लेंस खरीद ली फिर आप कभी नहीं सोचोगे कि मैं जी मास्टर सीरीज़ की कोई लेंस खरीदूँ या उन्हें यूज़ करूँ, क्योंकि इसकी अपनी ऑप्टिक्स क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। साथ ही साथ
मैक्स अपर्चर यानी f1.4 पे भी आप यूज करोगे ना आर्ट लेंस को, तो शार्पनेस जो आएगी बहुत उम्दा आएगी। तो ये थी मेरी लेंसेज वेडिंग फोटोग्राफर्स को, कि अगर आप ये सोच रहे हो या आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो कि हम अपने APS-C मिररलेस कैमरे के लिए क्या लें या हम फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे के लिए क्या लें, तो ये रिकमेंडेशन आपको बहुत हेल्प कर जाएगी। और मेरी रिकमेंडेशन के अनुसार अगर आप लेंसेज खरीदोगे तो इंटायर वेडिंग फोटोग्राफी में आपको कोई और एक्स्ट्रा लेंसेज की रिक्वायरमेंट नहीं लगने वाली है। Other than that, if you have still some confusions और आपके पास questions है, you have the comment section, आप पूछो मुझसे, मैं answer देने की कोशिश जरूर आपको करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड rumors।